सो गाइस अभी इसने मेडिसिन भी नहीं खाया, अभी जस्ट खाना वगैरह खाया है फिलहाल। इसके पहले मैं आपको कंडीशन बता देता हूँ और आज दिन में मुझे क्या करना है वो सब चीज़ें भी आपको बता दूंगा। फिलहाल ये चेक करो भाई, इधर देखो ये दर्द जो है ना वो ज़्यादा ही कुछ फैल गया है अभी आगे कर। ये चेक करो भाई, इसमें तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है इसको इसमें, और बाकी ये वाला एरिया तो मैं दिखा भी नहीं सकता क्योंकि भाई फिर सीधा आपको पता है दिक्कत हो जाती है उसमें। अभी मैं जा रहा हूँ बाइक अपनी रेंज को भी ठीक करवाना है, उससे पहले इसकी कंडीशन पूछ लेते हैं, टेबलेट खा लेगा तो। अरे अभी कितना दर्द होता है अभी इस टांग में? अच्छा, इससे कितना 6-7 घंटे चढ़ जाते हैं ना। लोगों को लगता है कि ये सब झूठ है, तो कोई बात नहीं गाइस, एक्सरे करवाए हैं सब कुछ है, तो अगर फिर भी कोई ट्रस्ट नहीं करेगा तो जाने दो, हमको किसी को ट्रस्ट करने बुलवा रहे हैं। जानते हैं 2-4 लोग बोलते रहते हैं, उनसे बोलने से तो फर्क पड़ता है। सुबह से फिलहाल का कंडीशन ये है कि मैं अभी जा रहा हूँ भाई KTM सर्विस सेंटर, टेक्निकली भी इश्यूज आए हैं, मैं खुद चला के देख रहा था तो उसके बाद मैंने चलाना बंद कर दिया इसको। RV को लेके भाई थोड़ा बहुत डिस्टर्ब था, तो कल इसको भाई ड्रेसिंग वगैरह करवाने ले गया था तो इसको थोड़ी बहुत दिक्कत हो गई थी। कुछ चीज़ें ब्लॉग में नहीं बताई जाती हैं तो कोई लोगों को लगता है ये सब मजाक है, तो भाई वो उनके लिए मजाक ही सही। तो बाकी यार अभी मैं चलता हूँ, आपको लोगों को कंडीशन भी दिखाता हूँ अपनी रेंज की, और जाते हैं यार सर्विस सेंटर, लेट भी हो चुका हूँ अभी, दिन के 2 बज रहे हैं, और जाते हैं पहले आपको दिखाते हैं रेंज की कंडीशन, फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ। तो गाइज फाइनली आपका भाई पहुंच चुका अभी KTM सर्विस सेंटर, और फिलहाल मैंने भाई अपनी रेंज को लगवाया है इधर सामने, और मैं इसमें बता देता हूं आप लोगों को जिन्होंने मेरा पहला व्लॉग नहीं देखा तो मैं बता देता हूं भाई इसमें मेरे को क्या क्या काम करने के लिए है। भाई बहुत सारा काम हो रखा है भाई, सबसे पहले आपको मैं दिखा दूँ यार ये हैंडल देखो भाई, इधर से टूटा है ठीक है, और अगर इसके सीधा कर दूँ तो इसकी अलाइनमेंट भी ख़राब है, मतलब ये पाइप जो है, ये जो पाइप डाली हुई है ये भी टेढ़ी हो रखी है, और साथ में इसकी जो रेसिंग वायर है ये खिंचो गई है, मतलब अगर मैं थोड़ा सा भी इसको मतलब छोड़ता हूँ तो ये खुद में ही वाइब्रेट करना स्टार्ट कर जाता है, तो टेक्निकल इशू भी आ रखा है। और साथ ही भाई ये चेक करो भाई, ये चीज़ भी टूट रखी है इसकी एक साइड से टायरिंग, और ये चेक करो भाई रखा है इधर से ये। फिलहाल भाई ये चश्मा मेरा नीचे गिर गया, मेरे को भी गाइस आई फ्लू हो रखा है यार बहुत तगड़ा वाला, तो चश्मा लेके अभी साथ घूम रहा हूँ मैं भी, तो ये चेक करो भाई ये टूट रखा है। फिर उसके बाद गाइस इस पर भी स्क्रैचेस बहुत तगड़े वाले आ रखे हैं, तो हो सकता है मैं इसको भी चेंज करवा दूँ। ये चेक करो, देखेंगे इस पर कितना खर्चा आता है, नहीं तो इस पर स्टिकरिंग कर दूंगा, नहीं तो देखो अगर खर्चा कम आएगा तो इसको चेंज करवा दूंगा। बाकी भाई ये चेक करो गियर शिफ्टर की भी हालत ख़राब है, पूरी तरह से मोटर रखा और अंदर से टूटने वाली हालत हो रखी है, तो मैं इसकी वेल्डिंग वगैरह करवाने नहीं वाला, मैं नया ही डलवाऊँगा इसको ठीक है। और साथ ही चैन भी बहुत ढीली हो रखी है तो चैन को भी फिट करवाना है। ये चीज़ भी देखो घिस हो गई थी पूरी तरह से, और ये भी घिस हो गया था पूरा, और अगर हो पाएगा तो ये सब चीज़ें चेंज करेंगे, बट ये नहीं करेंगे यार, ये इसको थोड़ा सा ही लगा सकता है तो इस पर पैंट वगैरह कुछ करके अंदर जाके बात करते हैं, इंश्योरेंस क्लेम लेता हूँ या नहीं लेता हूँ वो सब चीज़ें आपको बताऊँगा। फिलहाल क्या क्या रहता है इंश्योरेंस में ये चीज़ें भी आपको पता लग जाएंगी, और मेरा फ़ोन भी तो टूट चुका है, मैंने फ़ोन की कंडीशन ही आपको दिखाई है, फ़ोन की कंडीशन दिखाऊँगा तो आपको पता लगेगा भाई फ़ोन भी टूट गया मेरा, और चेक करेंगे भाई कितना इसका बिल आता है, अगर नॉर्मल आए तो खुद ही पे करने वाला हूँ। भाई देखो पंगा पड़ गया है यार, इसकी रेसिंग वायर नहीं पकड़ रही है अभी, इधर से रेसिंग वायर पे परसों तो करवाई थी यार आपसे, 2 दिन पहले सर्विस करवाई, उसके बाद दिक्कत आ गई इसको साइड स्टैंड की दिक्कत ठीक कराना है, फिर इन भैया ने ठीक की, फिर वैसे ही वापस गया तीसरे दिन एक्सीडेंट हो गया इसका, और तब से घर पे लगाई हुई थी 2 दिन। अभी आप ड्राइव लो, घर पे जाओ इसको मत चलाओ, हाँ ये कोई पता नहीं है कब उतर के गिर जाए, हाँ ठीक है आरसी निकलवाओ, स्टार्ट मारो बाइक एक ही बार में, यहाँ उठा के ले आओ क्लेम पे लगा दो, ये चलने वाली नहीं है। अच्छा चलो ठीक है भैया, अभी देखते हैं फिलहाल क्या करते हैं, क्या अभी RC निकलवा के फिर आपसे मिलते हैं। सो गाइज एक हफ्ता पहले मैंने एक वीडियो डाली थी YouTube चैनल पे मेरे, अगर लोगों ने नहीं देखे तो मैं बता दूं भाई मेरी ट्यूब जो थी वो पहले सीज हो रखी थी, तो अभी ये चेक कर सकते हो भाई इसकी अभी हालत भी ख़राब हो गई, उसके बाद एक हफ्ते बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया, बट RC अभी भी कोर्ट के अंदर ही है, तो कोर्ट से अभी RC निकलवाऊंगा तो उसके बाद ही इंश्योरेंस क्लेम ले सकता हूँ, क्योंकि इस पर नाना करते हुए भी 8-10 हज़ार का खर्चा है पूरा टोटल, तो इंश्योरेंस क्लेम लेना पड़ेगा मेरे को, इंश्योरेंस क्लेम लेते हैं। फिलहाल इधर से निकलता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा धूप लग रही है और इंश्योरेंस क्लेम लेने का मैंने फाइनल कर दिया है, तो उधर से RC निकलवाते हैं, नहीं तो RC ब्लैक लिस्टेड में मेरे को इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा।
गाइस अभी मैं फाइनली पहुंच चुका हूं घर पे और रेडी शेडी हो रखा हूं क्योंकि आज मेरे दोस्त का बर्थडे है। बंटी जो मेरे ब्लॉग्स में भी आ रखा था उसके घर पे जा रहा हूं अभी मैं फिलहाल और उसके उधर से निकलेंगे भाई हम कहीं बाहर पार्टी करने। उससे पहले मैं आपको अपडेट दे दूं भाई रेस के रिलेटेड, तो भाई एक दो दिन के अंदर आज से लेके उसका भी इंश्योरेंस क्लेम करूंगा और बहुत जल्दी रेस को भी ठीक करके ले आएंगे। अभी फाइनली पार्टी वगैरह करने में मजा आया बंटी गाइस, बहुत मजा आया डांस वगैरह क्या भाई, अब मजा क्यों नहीं आता है डांस वगैरह क्या। अभी फाइनली निकलते हैं इधर से और अपनी रेस देख भाई वो सामने, बहुत जल्दी भाई इसको सर्विस सेंटर डालने वाला हूँ भाई एक महीने के लिए, तो फिर भाई मेरे ब्लॉग्स में बिल्कुल भी रेंज नहीं दिखेगी। और कोई सेकेंड हैंड बाइक परचेज करूँगा तो फिर उसको देखेंगे उसका क्या सीन रहता है, फिलहाल आप ये चेक करो भाई